नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोरखपुर जंक्शन से पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलेगी। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने से रेल यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। इसके पहले गीता प्रेस के कार्यक्रम में पीएम ने कहा, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। पीएम ने कहा, इसके नाम और काम में भी गीता है। जहाँ गीता है वहाँ साक्षात कृष्ण भी हैं, वहाँ करुणा है, ज्ञान का बोध भी है, हाँ विज्ञान का शोध भी है। यहाँ सब वासुदेवमय है। यहाँ की किताबों ने घर घर में संस्कृति और विरासत पहुँचाई है। पीएम मोदी ने कहा, सावन का पवित्र माह, इंद्रदेव का आशीर्वाद, संतों की कर्मस्थली, ये गोरखपुर की गीता प्रेस। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब ऐसे संस्थान बनते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।